सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे इस गांव का वाटरफॉल है। सामने आप देख सकते हो ना, आपको मैं दिखाता हूँ नजारा। वेट कीजिए, मैं आपको ना आगे जाके उसका व्यू दिखाता हूँ और फिर आप ही कहना कैसे था ये वाटरफॉल। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू निशान राइड। और आज मैं फिर से आया हूँ, मेरे साथ है ये है महेश और आगे सूरज। तो आज हम जाने वाले हैं, सामने एक वाटरफॉल है और इस एरिया का नाम है, इस गांव का नाम है पड़स गांव। वाटरफॉल आज हम देखने वाले, वो ऑलमोस्ट 3-4 लेयर है और उस लेयर को आज हम हमारे इस नज़र से देखने वाले, प्लस ड्रोन शॉट भी लेंगे अगर इंद्रदेव की कृपा रही हमारे ऊपर तो। और देखते आगे इस वीडियो को। बाइक पार्क की है, वहाँ से हमें सीधा सीधा अंदर आना चलते चलते। और कुछ इस तरह यहाँ पे आपको पानी की टाँकी दिखाई देगी, पानी की टाँकी के यहाँ से आपको सीधा निकलना है आगे। मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, ये यहाँ के ही है सूरज और महेश। तो कुछ इस तरह रोड है, देख सकते हो। तो गाइस फाइनली ना हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमारा वाटरफॉल है, मतलब जहाँ पे इस गांव का वाटरफॉल है। और सामने आप देख सकते हो ना, आपको मैं दिखाता हूँ नजारा। वेट कीजिए, ये जो वाटरफॉल है लाइन से ना पूरे पहाड़ों को घेर चुके हैं। और कई कई वाटरफॉल तो ऐसे है कि बहुत लंबे से, मतलब बड़े बड़े वाटरफॉल है। आपको ना मैं आगे से दिखाता हूँ, अभी यहाँ पे पता नहीं कितना दिखता है, कितना जस्टिफाई हो रहा है। मैं ये स्क्रीन थोड़ा ऊपर करके दिखाता हूँ, वाइड एंगल होने की वजह से आपको इतना ज़्यादा क्लियर दिखाई नहीं देगा। मैं आपको ना आगे जाके उसका व्यू दिखाता हूँ और फिर आप ही कहना कैसे था ये वाटरफॉल। तो चले जाते हैं अभी वाटरफॉल के यहाँ पे। देखिए कुछ इस तरह बड़े बड़े पत्थरों को लांघ के हमें आगे जाना है। तो हमें कुछ ऐसे उतरते हुए जाना है नीचे वाटरफॉल के यहाँ। चलो वाटर क्रॉसिंग। तो ऐसे हमें कुछ कुछ जगह पे वाटर क्रॉसिंग करके आगे जाना होता है। देखिए पानी देखिए कितना क्लियर है, देखिए यहाँ पे भी देखिए। सो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं वाटरफॉल के सामने, देख सकते हो ये रहा वाटरफॉल। आपको यहाँ से थोड़ा कम दिखाई देगा क्योंकि ये वाइड एंगल है। आपको मैं और आगे जाके दिखाता हूँ कि वाटरफॉल कैसे है। और यहाँ के जो ड्रोन शॉट है ना, वो भी आप देख के ना शॉक होने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यही वाटरफॉल नहीं है, इसके आजू बाजू में बहुत सारे छोटे मोटे वाटरफॉल है, तो वो भी आपको दिखाई देंगे। इस वाटरफॉल के यहाँ पे आने के लिए आपको जो यहाँ पे मैंने बाइक पार्क की है, उस विलेज से लेके यहाँ तक आने के लिए आपको 30-35 मिनट्स लगने वाले हैं। पर रूट थोड़ा डिफिकल्ट है, रूट में आपको ना मतलब पता नहीं चलेगा कि आपको कहाँ से आना कैसे आना है। तो अगर लोकल गाइड मिला तो ही देख लीजिए, नहीं तो फिर लेट्स सी आपको आप कैसे आ सकते हो यहाँ पे। रूट पता नहीं चलता कहाँ से कैसे जाना है, और वाटरफॉल को देखते हुए आपको जाना है, आप इजीली पहुँच जाओगे लोकेशन पे। सबसे बढ़िया बात तो वाटरफॉल ना दिखता भी नहीं है बाहर से, गाँव के यहाँ से, तो वो भी आपको पता नहीं चलेगा। मैंने जो टाइम लैप्स डाला है, टाइम लैप्स को फॉलो कीजिए और आपका आधे से ज़्यादा रास्ता वहाँ पे कवर हो जाएगा। तो देखते हैं वाटरफॉल को अभी। कुछ इस तरह जंगल ट्रेक करके अभी हम आगे जाने वाले हैं। देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ है और उसके आगे है वाटरफॉल। आगे मेरी आवाज़ आपको कम सुनाई देगी क्योंकि वाटरफॉल का जो फोर्स होता है, पानी होता है, वो बहुत है। लेट्स सी। तो गाइस देखिए ये है वाटरफॉल। वाह, पूरा 3 लेयर में वाटरफॉल है। वहाँ से पानी गिर रहा है, फिर यहाँ पे, यहाँ से, फिर यहाँ पे, और वहाँ से भी आ रहा है। ये लाइक हमने भंडारा में एक वाटरफॉल देखा था, नेकलेस वाटरफॉल, उस तरह ही है। दोनों साइड से पानी गिर रहा है और ये आके यहाँ पे जमा हो रहा है पानी।
ये देख सकते हो। तो गाइस फाइनली अभी ना यहाँ से ये जो वाटरफॉल है उस वाटरफॉल से अभी हम जाने वाले हैं थोड़े से ऊपर, मतलब यहाँ से जाने के लिए रास्ता है तो उस रास्ते से हम जाने वाले ऊपर और वहाँ से भी कुछ और हरिजंगेज शॉट लेने वाले हैं। पर ये देखिए क्या वाटरफॉल लग रहा है, अभी आपको आवाज़ मेरी कम सुनाई देती होगी पर ये जो वाटरफॉल है ना काफ़ी बढ़िया और काफ़ी बेहतर लग रहा है। वाव। तो गाइस कुछ इस तरह हमें ऊपर चढ़ना है, यहाँ पे पैर देके, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे और यहाँ पे, ऐसे चढ़ चढ़ के ऊपर जाना है वहाँ पे। मतलब आपको ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट दिखता होगा पर ये डिफ़िकल्ट नहीं है, ये इजीली आप यहाँ पे ना पैर लॉक कर सकते हो और ऊपर चढ़ सकते हो। लाइक हमारे जो रूट होता है उसी की तरह ये भी है। देखिए वाटरफॉल। तो गाइस फाइनली हम ना यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ये वाटरफॉल के एक सेकेंड लेयर पे आ चुके हैं। ये देखिए वहाँ से हमने स्टार्ट किया था चढ़ना और साइड साइड से आप आ सकते हो, वहाँ से भी रास्ता जाने के लिए कुछ इस तरह है यहाँ का व्यू। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको स्पेशली आके ड्रोन शॉट अच्छे लगे हो और कुछ सिनेमैटिक वीडियोस। तो ये वीडियो यहीं तक था और थैंक यू महेश को और आसूरज को, इन दोनों की वजह से आज हमें ये वाटरफॉल देखने मिला है। तो ये वीडियो यहीं तक था, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।